नमस्कार मित्रों, तो ये है हमारे घर का आगे वाला हिस्सा जहाँ पे बहुत सारी बाइक निकल के हमारे वीडियो में दखल अंदाजी करते हैं। तुम लोग देख सकते हो कि अपन मेन मार्केट में रहता है, इसका मतलब अपन का टापरा बहुत महंगा है। ये हमारे घर का बैक साइड जहाँ पे अपन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है और ये थोड़ा लाइक कच्चा पक्का दिख रहा है, लेकिन हमारे साथ हमारी गौ माता है। नमस्कार गौ माता, केम छो, मजा मा? नो रिएक्शन। खैर जाने दीजिए, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ YouTube मनी का कमाल। अब ये जो तुम सामने घर देख रहे हो, हाँ ये वाला, ये अपन खरीद चुका है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो पत्रा, हाँ ये वाला, ये भी अपन खरीद चुका है। और कमाल की बात तो ये है कि अपन ये जो घर है, ये वाला, हाँ ये खिड़की वाला, ये वाला, ये भी अपन खरीद चुका है। तो अभी अपन देखते हैं। अरे 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 अरे, ये है शुद्ध शाकाहारी गोबर। इस गोबर की विशेषता ये है कि अगर आपकी चप्पल पे ये लग जाता है तो आपकी चप्पल रियाज और मंजुल खत्तर जैसी चिकनी हो जाती है, और जैसे ही आप इसको अपनी चप्पल से काटोगे, मोहल्ले के दूसरे बच्चे आपका हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने लग जाएंगे। तो अभी अपन लोग चलते हैं अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ पड़ी है एक चाकू जो कि मेरे दोस्त लोग बर्थडे के टाइम पे लाए थे, हाँ मेरे बर्थडे के टाइम पे, और साथ में एक कैंडल लेके आए थे जिस पर जीरो लिखा है। मुझे नहीं पता उन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी जीरो साल का हूँ। उसके बाद ये हमारी प्यारी सी स्कूटी, मेरा पहला प्यार, बहुत प्यारी है ये। आई लव यू माई डियर स्कूटी। ये अपुन की फाइल है जिसके अंदर अपुन अपुन के सारे लव लेटर रखता है, और ये वही बेड है जिस पे बैठ के अपुन सोता है। ये अपुन का प्यारा सा बेड और ये अपुन का प्यारा सा तकिया, बहन छोड़। सो अब टाइम आ चुका है कि हम आपको दिखाएं अपना प्यारा रूम जिसके अंदर अपुन ने सब सेटअप जमा रखा है। तो अभी अपुन लोग अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले अंदर जाते से तुम लोगों को दिखेगा अपने हनुमान जी जिसने पर्वत उठा रखा है हाथ में। मुझे नहीं पता हनुमान जी इतना किधर से लाइक दम लाते हैं, लेकिन आई थिंक ये साउथ इंडियन मूवी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन मूवी वाले भी ऐसे ही करते हैं। ये अपुन की माछी से अपुन इधर ही बैठ के गांजा वांजा फूकता है सब। अब हम टाइम बर्बाद ना करते हुए आते हैं हमारे रूम पे। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि किसे अटाला पटाला मेरा पड़ा है। ये है मेरी प्यारी चेयर, ये मेरी सेकेंडरी चेयर, और ये है हमारे प्यारे प्यारे इंस्पिरेशन यूट्यूबर्स। उसके पीछे जो मेरी शील्ड है, कुछ शील्ड है मैंने ऐसे ही उठा लिए, ऐसे ही उठा लिए। नीचे डमरू है जो मैं चबूतरे पे जाके बजाता है पैसे कमाने के लिए। ये अपुन का एक गिफ्ट है। ये है हमारी ग्रीन स्क्रीन जो कभी काम में नहीं आती क्योंकि मेरी कैमरा क्वालिटी बहुत ही घटिया है। उसके साइड में ये मेरा पुराना माइक है, ये अपुन ने हेडफोन तोड़ के माइक बनाया था, ये मोबाइल में सपोर्ट कर लेता है, तो इसीलिए ये अपुन ने ऐसे बनाया था हेडफोन तोड़ के। तुम लोग देख सकते हो ये हेडफोन है टोटली देसी जुगाड़, एक लाइक बनता है। उसके बाद ये अपुन का नया माइक है जो अपुन ने अपनी यूट्यूब की इनकम से कमाया या फिर लाया, ये ब्लू का है, ब्लू कंपनी का। उसके बाद ये हमारा एक्सटेंशन जिसमें ये सब अटाला लगता है, इन दो खिल्लियों पर मैं इसको टांगता है। और ये हमारी एक लाइट जो हमको 120 रुपये की पड़ी थी, ये इसको चल्लू करके दिखाता है मैं तुम लोगों को, बहुत ज़्यादा उजाला, आंखें दुखन लग जाती है कतई। ये हमारा एक देसी जुगाड़ फिर से छोटी छोटी लाइट बनाने के लिए। ये बोतल है, उसके अंदर हमने कंचे भर रखे ताकि बोतल गिरे ना, और इसको भी चल्लू करके दिखा देता है। हे, कितनी अच्छी लाइट है इसकी। उसके बाद ये हमारा सेकेंडरी लाइट, ये हमारा हेडफोन है, बहुत अच्छा हेडफोन है, ये हमारे बहुत काम में आता है। उसके बाद ये हमारा लैपटॉप, उसके बाद ये उसके ऊपर तुम लोग देख सकते हो ये हमारा लॉजिटेक का वेब कैमरा, यही हमारा कैमरा जो हमने यूट्यूब की इनकम से कमाया। बस यार इतना ही कुछ है, और ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। मेरे पास कोई अच्छा सा पीसी नहीं है कि मैंने बिल्ड करवा रखा है पीसी, जब मैं करवाएगा तुम लोगों को दिखाएगा। तो यह वीडियो पसंद आया तो लाइक मारने का है, और वो नीचे कमेंट करके बताने का है कि वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब भी नीचे कर देने का है, और शेयर घंटा दबाने का है इसे। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मर्दों के बीच में मुजरा करवाऊं, नहीं नहीं मुझे बेचना जमीर नहीं, दलाल बन के होना मुझे अमीर नहीं। हाँ वो लड़की जैसा रैप बना लेता हूँ, पर लोगों को तब उस गाने से तखीर भाई।
जबकि वाकी में वो काली कलूटी थी, अपने टांगों के बालों को लेकर।